ठीक है, तो हम कर रहे थे प्राणायाम। तो हमारा आसन हो गया था, हम प्राणायाम कर रहे थे, भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू किया, तो भस्त्रिका करते रहते हैं। अब चलते हैं और करेंगे। तो भस्त्रिका एक बार और खूब अच्छी तरह से खूब गहरा सांस ले। नाक से सांस लेते हैं, धूड़ी को बाहर, फिर सांस बाहर लिया, फिर फ्रेश इनसाइड, तो करते हैं फिर एक साइकिल और। तो हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। तो तीन तीन साइकिल करते हैं, एक प्राणायाम का प्राण प्राण क्रिया भी कर रहे हैं, प्राणायाम बाद में आएगा। तो इसके बाद में करते हैं, उसको बोलते हैं कि उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी में आपकी जो विशुद्धि शक्ति है बोलने की, आपकी ग्रहण सहन कैसे व्यवहार करते हो उसका खूब अच्छी तरह इम्पेक्ट पड़ता है। तो आपको भस्त्रिका का था, आपको पता जठर अग्नि सब शक्ति, अब कर रहे हैं हम उज्जयी प्राणायाम। सो अपने आप से लीजिए सांस नाक से, लेकिन आपकी फोकस होगी थ्रोट पर। तो आप फील करोगे ना ऐसे वाइब्रेशंस हो रहा है सब। एक्चुअली कैसे करना है? तो उज्जयी प्राणायाम करें। आपको भस्त्रिका हो गया ना, तो उज्जयी का है, उज्जयी का आप अपनी फोकस लाइए मन की, थर्ड आग जो है उसमें ब्रेथ जब करते तो थ्रोट पर है अंदर, जहां सांस जा रहा है ऐसे, ठीक है? नाक से सांस लोगे, नाक से ही, जितनी सांस हम नाक से ही लेते। सुनाई देता मेरा आवाज? सुनाता जी आवाज तो, पर सांस तो लिया जाता है। तो यहाँ गले पर आप उसकी थोड़ी उसकी अटेंशन लाइए, तो आपको वाइब्रेशंस होगी, क्योंकि आप केवल जो पैसिव ब्रीदिंग है ऐसे नोज से होता है ना, आपको नहीं पता लगता, लेकिन आप एक्टिवली ब्रीथ कर रहे हो तो उसको आपको मसल से यूटिलाइज कीजिए, तो थ्रोट मसल से आप जी जी ऐसे जा रहा है, उसी तरह बाहर। तो जितनी नेक मसल्स है खूब अच्छी तरह यूज हो रहा है इसमें। इसमें सांस हम ले रहे हैं गले से या ऊपर का बन रहा है, दोनों लेने का और बाहर ले जाने का, दोनों का। तो शुरू शुरू में तो बहुत इरिटेशन लगेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस हो रहा है ना, तो खांसी होने लगेगी। आपकी बार अपनी जो चिन्ह है, आप अपने चेस्ट ऐसे
उस पे धन लें। तो आप सब जब सांस लोगे तो और भी होगा इंपैक्ट यहां पर। गले को ऊपर, राइट नोस्टिल दबाएं, लेफ्ट से सांस बाहर। तो दो वेरिएशंस था उज्जय प्राणायाम का, एक है बेसिक था, दूसरा था थोड़ी और डिफिकल्ट हो जाती। तो पहले आप केवल ये ही सीख लें, जब वो हो जाए तो चीन को दबाकर राइट मन करके राइट लेफ्ट से बाहर उज्जय प्राणायाम। आप करेंगे अग्निसार, अग्निसार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अग्नि को जलाने, जठर अग्नि को जलाने का, तो उसका अटेंशन होगा आपकी समान जो प्राण होती है उसकी शक्ति। तो सांस को बह अंदर बाहर पूरा निकालते हैं, अपनी जो नाभि है उसको भीतर डालेंगे, सांस रोक लेंगे, वहां पर सांस रुका रहेगा। आप बहुत फोर्स मत कीजिए, जितना हो सके अपने हिसाब से, जितनी कार्य अपने हिसाब से करें, मेरे या कोई और को की सोचने की बात नहीं, अपने हिसाब से जितना रुके रोक लें, फिर दूरी को बाहर और भीतर नाभि को ऐसे लाना ले जाना है, जितना हो सके सांस को रोके। तो आपकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, 5 सेकंड कर पाएंगे, फिर 10 सेकंड, फिर 30 होगा, फिर 40 हो जाता, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे उसको खूब सांस अंदर बाहर, नाभि को दबा लिया, रोक ले, फिर उसको आगे पीछे ले जाते सांस रुका है। जब नहीं हो सकता तो खूब अच्छी तरह से सांस को अंदर लीजिए, अपने आप में देखिए, अभी तो क्रिया कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख लीजिए, बाद में आपको आनंद आएगा। जैसे विजय को पता हो गया है कि कितना आनंद आता है, फिर आपकी उसकी पता चलेगी क्या हो रहा है, फिर आप उसमें मंत्र लाएंगे, फिर आप अपनी जो जो मूलाधार है स्वाधिष्ठान को ऊपर खींचेंगे, वो कार्य होगा। लेकिन पहले आप क्रिया सीख लें, फिर बाद में वो सब आप धीरे धीरे लाइए, तो आपकी आनंद की जो स्थिति बनेगी फिर। तो पहले सीखते, फिर अग्निसार, सांस अंदर सांस बाहर, अपने नाभि को दबा लिया, सांस रुका हुआ है, आप बाहर भीतर लाएंगे। तो लोग कहते हैं ना, सांस में क्या एक्सरसाइज होता जी, बोलते हैं दौड़ो ये करो, हाँ ठीक है, लेकिन जितनी ये सांस वाली एक्सरसाइज आपको एनर्जी लेती है और डिफिकल्टी है, उतना दौड़ने उड़ने में इतना दौड़ नहीं होती है। तो आप हताश मत हो, अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि बाहर से हमें पता है कि बहुत सिंपल चीज होगी, कुछ नहीं, बहुत नहीं करना पड़ता इसमें। एक बार और अग्निसार, सांस अंदर बाहर, तो हुआ अग्निसार। आप करेंगे कपाल भाति। तो कपाल भाति तो आपको पता ही, बात मैं करते रहता हूं कि कपाल को खोलना, अपनी जो धर्म अर्थ का मोक्ष की जो हमारी लक्ष्य होती जिंदगी का, अंत्येष्टि समय आपको इसको खोलना पड़ता है खोपड़ी को, बहुत देर हो जाती है खोपड़ी खोलना, अपनी जीवन जब मिला है तभी खोलना है इसको। कपाल की बोलते, कपाल जो क्रिया है
तो आपकी जितनी एनर्जी शक्ति है उसको जगाती है, आपकी जो स्थूल शरीर से आपको सूक्ष्म शरीर में ले जाएगी, फिर सूक्ष्म से फिर बाद में आत्मा की पहचान होगी। तो आप कीजिए मेरे साथ, थोड़ी देर करते हैं इसको, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे भी हो जिस तरह से कर सके, कोई राइट रोंग की बात ही नहीं है जी, कोशिश ही है सब कुछ, जितना हो सके कीजिए। तो इसको बैठेंगे या आप चेयर पे लगा सकते हैं, आप बैक में लगा लग सकते हैं, हाथ को ऐसे कर सकते हैं पीछे रोक कर, मैं याद दिला दूं एक्सहेलेशन एक्सरसाइजेस, सब प्राण अंदर वाली होती है, प्राण बाहर ले जाने वाली होती, तो आप जुड़ी अपनी नाभि को दबाते और सांस बाहर जाता है कि वो स्टिल रहना है, और उसके साथ में आप अपनी प्राण मंत्र वगैरह ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम चना ओम तपा ऐसे मंत्र इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी मन को अपनी अपने आप में रखिए, बहुत अच्छी कार्य कर रहे हो तो मन को भी अपने साथ में रखें, घूमने मत दे, झूठ घूमने तो जाएगा लेकिन घूमने के समय अच्छी चीज में लगा लें।
ठीक है, तो कम से कम 5 मिनट करें आप जरूर। और जैसे मैं कहा, अगर आपकी आसन में केवल कोई आसन ना हो तो सूर्य नमस्कार कर लें, और प्राणायाम में कुछ ना हो तो केवल कपालभाति कर लें, बराबर हो जाएगा। दो चीज हो गया, फिर आपको सहारा देगा आपकी, जब आप ध्यान में जाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद करेगा। तो सब मत करें लेकिन इतने ही हो जाए तो था कपालभाति, कपाल। ठीक, अब करते हैं बाह्य कुंभक। तो बाह्य कुंभक में 3 स्टेजेस होती, पहला है अभ्यंतर वृत्ति, खूब गहरा सांस, फिर बाह्य वृत्ति, पूरी की पूरी बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने पर बाह्य कुंभक करते हैं कि उसको रोक लेते हैं। तो उसके साथ में मूल बंध, जलंधन बंध, उदान बंध, जितनी बंध है तीनों को बांध लें। बांध कर अब रोकना है, सांस को रोकना है। अब रोकिए, जितना लंबा हो सके रोकिए। एक ही ऐसे माँ, एक ही चीज है जो आपकी सांस, ये जो प्राण है उससे आपकी मन आपकी बस में आ जाती है। तो करते हैं अभ्यंतर वृत्ति, बाही कुंभक, मूल बंध, जलंधन बंध, उदान बंध। तो जब सांस नहीं और रुक सकता तो आप अपने हिसाब से, अब जब आपको सांस लेना चाहिए आप ले लीजिए, आप जबरदस्ती कुछ मत करें। तो सांस जब ले रहे हैं तो अपनी आपकी जो अंदर की जो सफाई हो रही है ना, पहले बाहर की स्थूल शरीर का हम जब शावा करते हैं, नहाते हैं, उसी अंदर का प्राण से आपकी सफाई हो रही है। तो आप देखिए जब सांस ले रहे हैं पूरी अपनी मूलाधार से लेकर सहस्रा तलक आप जाइए, उसमें सांस अंदर, अभ्यंतर वृत्ति, बाहि वृत्ति, मूल बंध, जलंधन बंध, उदान बंध। आप मौका, आप ये नहीं लोगे इस सब चीज का, तो लगभग 70,000 थॉट्स आती है दिन में, आपको पागल बना देती है। वही कर रहा है मन और कुछ नहीं, आपको पागल बना रहा है, कोई दूसरा का कुछ नहीं हो रहा आपके ऊपर, लेकिन क्योंकि मन अपना इतना चंचल है, दो ही बोल देता है हमें कुछ तो हम रिएक्ट करते हैं फिर, क्योंकि वो मन की स्थिति ऐसे बनी हुई, कितनी सारी वजन लदी हुई है कि आप किसी को फिर अकोमोडेट ही नहीं कर पाओगे। तो हम बोलते हैं कि हमें ये कर रहा है, हमें वो कर रहा है, सही बात तो यही है कि आपके अंदर में इतनी ज्यादा वजन पड़ी है कि आप किसी को और ले ही नहीं सकते और कुछ बाहर से। अब अंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, मूल बंध, जलंधन बंध, उदान। एक बार और कर लेते हैं, अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, मूल बंध, जलंधन बंध, उदान बंध। कोई चेष्टा ना करे, एकदम अपने आप में अब धीरे धीरे आइए। अब करते हैं अनुलोम विलोम। तो आपको पता ओल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग,
पहले लेफ्ट से सांस लेंगे, अभी के समय में आपकी ठंड चाहिए तो लेफ्ट से सांस लीजिए पहले, जब गर्मी के समय आ जाए तो ऐसे है, फिर जो ठंड के समय आ जाए तो आप पहले राइट की तरफ से लीजिए। तो अभी लेफ्ट से लेते हैं, राइट से बाहर करेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर करेंगे, ऐसे ही चलेगा। रोकना है तो फिर लेफ्ट से बाहर हो तब रोकते, अनुलोम विलोम, सांस अंदर लेफ्ट की तरफ से, राइट से बाहर, राइट से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, अब अनुलोम विलोम को प्राणायाम में करते हैं तो उसको नाधि शोधन कहते हैं। आप उसी तरह सांस लीजिए जैसे ले रहे थे अनुलोम विलोम में, लेकिन आप कुछ आवाज नहीं आना है आपको, इतनी अपने आप में वजन इसी तरह से कम हो जाए आपको, ऐसे लगने लगेगा थोड़ी देर में, क्योंकि आप जब सांस लोगे तो आपकी जो एरिया यहाँ पर ट्राइंगल है उसमें एक कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो। तो हम जब बाएं से सांस अंदर लेंगे, फिर से पूरी शांत चुप से लेकर लेना, कि जब ले लेते हैं कि दोनों नोस्टिल बंद कर सांस रोकेंगे जितना देर रोक सकते हैं, फिर उसके बाद दाएं से बाहर करते हैं, फिर रोक लेते हैं, दोनों नोस्टिल बंद हो गई, फिर राइट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, दोनों नोस्टिल बंद कर रोक रहे हैं, फिर लेफ्ट खोल कर उससे बाहर करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से अंदर रोके, दोनों नोस्टिल बंद हुई है, राइट से बाहर जा रहा है, दोनों नोस्टिल बंद कर रोक लीजिए थोड़े समय के लिए, दाएं से अंदर लेते हैं, अब आपने दोनों नोस्टिल बंद कर रोक लिया, बाएं से बाहर जाते फिर दोनों नोस्टिल बंद हो गई, लेफ्ट से अंदर लेते हैं, आपके दोनों नोस्टिल बंद कर रोक रहे हैं, फिर दाएं से बाहर हुआ और फिर बंद हो गई दोनों नोस्टिल, दाएं से अंदर, उनको बंद कर रोक रहे हैं, फिर बाएं से बाहर,
और रोक लिया। आप आराम कीजिए, हाथ अपने घुटने पर रख लें। ये था नाड़ी शोधन। तो नाड़ी को साफ करना, तो जो अनुलोम विलोम है उसको और आप कंसंट्रेट कर लें, ऐसे होता। तो एक और है ब्राह्मणी प्राणायाम होता है, उसको हम बाद में कर लेते हैं, जब पहले ध्यान कर फिर उसको बाद में कर लेंगे। अब कर लेते ध्यान, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको पता होगा कि आप अपने आप में आपको एक एकाग्रता की पहचान होने लगती है, तभी एक क्रिया करते पहले कि थोड़ी आसन हो जाए, थोड़ा प्राणायाम किया, प्राण क्रिया। अब एक ऐसे स्थिति बन जाती कि आप जरूर अपने आप को और गहराई में जाना चाहते हैं, जानने के लिए आपकी एक बन जाती है, एक शक्ति जागने लगती है। तो ऐसे स्थिति में उसका फायदा ले ले, क्योंकि मैं कह रहा था स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो फिर भी हम ऐसे बातचीत कर कुछ उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा की है उसमें केवल साइलेंस, केवल आपका अपना ही यात्रा है उसका। कोई आपको जितना सहारा देगा वो आपकी स्थूल और सूक्ष्म शरीर ले ले जाता है, उसके बाद में आपको फिर ये यात्रा करना पड़ता है। तो चलते हैं, तीन बार ओम का उद्गीत गाते हैं। ओ आ उमा, आ आपकी नीचे नाभि की शक्ति, शिव शक्ति बोलते हैं, जागृति होती। उ आपकी नाभि से ऊपर, आपकी जहां हृदय है उसमें विष्णु की शक्ति कहते हैं, कि ब्रह्मांड पे चलाने वाला। उ आपकी मटेरियल जितनी चाहत जो कुछ है उसका पूर्ण होता। फिर माँ आपकी सहस्रा, पूरी शरीर के ऊपर आपकी कनेक्शन जुड़ जाती है ब्रह्मांड से, माँ के साथ में ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती बुद्धि आती। आ उमा जाग, तो वाचिक उपांसिक और मानसिक, तो तीन स्थिति में तीनों का तीन बार में आप जाइए उसमें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों की निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए। आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। मानव जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त कर दोनों लोकों का उन्नति करना। भौतिक सुख शरीर तक सीमित है, आती है और जाती है, वो स्थायी नहीं। स्थायी और आत्मिक सुख वो परम पिता परमात्मा सचिदानंद स्वरूप उसी के आंचल में होती है।
प्रतिहारा पांचवा स्टेप होती है अस्थंग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा। अपने आप को ले जाइए सूल सूक्ष्म शरीर से और अंदर की पहचान, साइलेंस ही देती है अंदर की वो जगह होती है। अपने आप में कहो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप, न मैं पांच तन्मात्राएं रूप रंग स्पर्श गंध शब्द, पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल वायु, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, दस इंद्रियां, हमारी मन बुद्धि चित्र अहंकार, कुछ नहीं बल्कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं। इमोशंस, बॉडी चेंजेस, इमोशंस चेंजेस, थॉट्स चेंज, एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट यू, आई, हु एम आई, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म जैसे। आप ब्रह्म नहीं हो, आप ब्रह्म के जैसे हो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप। प्रतिहारा इंट्रोसेप्शन है, आपके डिटेचमेंट, सही रूप को पहचानना प्रतिहारा। अब प्रतिहारा स्थिति बनती है तो आप खुद जो सिक्स स्टेज होती ध्यान कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन ले जाएगा आपको धारणा में, वो मेडिटेशन में, धारणा ध्यान, धारणा कॉन्सेंट्रेशन है, वो ले जाएगा मेडिटेटिव स्टेट में। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करे, किस पर करे, तभी ज्ञान बहुत जरूरी है। वेद पढ़ना पढ़ाना, हमारी दर्शन, हम गीता, जहां सही मार्ग लिखा हुआ है परमात्मा का, उसको जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तब आप इस समय आप उसी जो सही स्वरूप है उसकी निर्गुण से, आपकी जो सरगुण से लेकर निर्गुण जो रूप है उसको पहचानना है आपको, मतलब हाईवे पकड़ना है ना। क्या फायदा फीडर रोड में छोटी छोटी इसमें बजे रहना, आपने तो मेन रोड पहुंचा ही नहीं। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, वेद को जाने, दर्शन पढ़े, उपनिषद, सही उपनिषद गीता जो सही रूप में जिसका लिखा हुआ है वो, उसको ज्ञान लाए। तो ये जो समय होता है उसमें आप उसकी ज्ञान को लाए, तो हम जो अल्टीमेट स्टेट होती है केवल वाइब्रेशन, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन, जो कॉन्शियसनेस है, क्वांटम लेवल जो एनर्जी है, उसी पर जाए। उसका एक्सप्रेशन ओम है, ओम की जो वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ आपकी ब्रेन वेव से आपकी हार्ट से मैच होती है। तो उसका जो क्वालिटी है आप उस पर जाइए थोड़ी देर के। का पहला अर्थ है स्वर व्यापक, स्वर शक्तिमान, स्वर अंतर्यामी, जन्मानंद निर्विकार ईश्वर, कण कण हर काल हर जगह हर स्थिति हर मोड़ पर उपस्थित है, उसी की स्थिति प्रार्थना उपासना करनी योग है। नौ द्रव आकाश वायु जल पृथ्वी, हर काल हर समय हर मोड़ हर जगह 24 गुण 33 कोटियां 5 क्रिया, ये सब परमात्मा की ही जो पूरी ब्रह्मांड है उसको आप अपने आप में समझिए। आपने आपसे कहिए, आप अनंत काल से अपनी उपकारों की आशीर्वादों की वर्षा करते हो, प्राणी मात्र के संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो, हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो, आपके आचरण में विचल शांति तथा आनंद का वास है, आपके चरण चरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अविरक्षित पदार्थों की प्राप्ति है, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, स्तुति प्रार्थना उपासना करें, हम कमल की फूल की तरह रहे, ये जो माया रूपी जिंदगी है उसमें जीते हुए भी इससे अलग रहना सीखे। का दूसरा अर्थ
सर्वरक्षक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक पृथ्वी लोक देवलोक अंतरिक्ष हर मोड़ हर समय हर जगह। तभी बोलते हैं ना जाके राकुसाइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जग वैरी हो। तो आपको पहले वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा जी, नहीं तो फिर आप हम सब रेंडमनेस पर जीते हैं, एक्सीडेंट तो होना है फिर। अब कितनी दुख की बात है, इतने यंग आमिर क्या शेन वोन कल पास उनका निधन हो गया, कुछ उम्र ही नहीं था जी, लेकिन आपने रास्ता ही नहीं बनाया कुछ। क्या किया, क्या कर रहे थे, खाना पीना ये सब रात दिन का। तो फिर आप तो कुछ करते ही नहीं, फिर आप बोल देंगे कि परमात्मा हमें केवल 52 इयर्स ही दिया था, ये तो झूठ बात हुई ना। आपका धर्म जो है, धर्म तो पालन करना है, तब फिर 100 साल का यात्रा तो जरूर होगा। फिर आप चाहे प्लेन में हो जाए या कोई न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ रहा है, आपको कोई ले जाने वाला नहीं। ऐसे दृढ़ विश्वास और संकल्प होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ता है। ये तो छोटी बात होगी, क्लास 2 बच्चे की तरह आप सभी को ब्लेम कर रहे हो कि बड़े भाई ने के दिया ये कर दिया मुझे वो कर दिया। तो ये इंसान का एक बहुत छोटापन है कि परमात्मा को भी नहीं छोड़ता है। तो सही रूप सही जो है उसको पहचाने, ज्ञान हो अपने में। ओ इट बिकम्स द शीथ द like the Avenger, he's the protector, that energy, if you have connection all the moment, every time, har jagah par, aapki sabhi tarah se, aapka raksha hoga. Karo to, koshish to kijiye, ghar, rasta, motor, gaadi, kaam, wagera, jo kuch ho aapki, niji jindagi, sabhi jagah par, aapki shareer ki raksha karne wala. Ye jo vibrations, jo aapki connections ho jaye na, tab aata hai sabka sab. थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, होगा, लिखा हुआ है वेद में, लिखा हुआ है पूरी पतंजलि ऋषि योग शास्त्र में, सब बताया हुआ है, सब आए। ओ तो हमारे में सात्विक जो स्थिति है बने, क्षमा सरलता स्थिरता निर्भरता अहंकार शून्यता तथा सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने, हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो, आपके संस्पर्श है हमारी सारी शक्तियां विकसित हो, हमारे हृदय में दया हो, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारी दृष्टि में प्यार हो, हमें बुद्धि तथा विद्या से परिपूर्ण करने ईश्वर आपकी आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। हे दीनाथ, दीनों के बिछड़ने वाले ईश्वर, आपके चंदन बिंदियों में हमारा जीवन अर्पित हो, इस अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करे ईश्वर, हमें कृतार्थ करे। ऐसे मानो ह्यूमिलिटी है, ग्रेटिट्यूड कीजिए। देने वाला तो कभी नहीं कुछ मांगता, हम सब तो माता पिता है ही, हमें तो पता है बच्चे से हमें कभी कुछ नहीं लेना है, लेकिन वो धर्म बनता है सभी का कि जो ग्रेटिट्यूड और ये करना तो बनता है, कोई बात नहीं। वो मानता नहीं है कुछ, चाहता ही नहीं है कुछ, तो परम पिता परमात्मा का भी कुछ वो चाहता नहीं है, लेकिन आपकी जो स्थिति बनना है ग्रेशियसनेस ग्रेटिट्यूड ह्यूमिलिटी ये सब तो बनना है करना है, तभी आपकी अंदर की यात्रा पूरा होती है। का तीसरा अर्थ है शुद्धमसि बुद्धमसि मुक्तमसि निरंजनमसि, वही शुद्ध वही पवित्र कंप्लीट द आइडियल परफेक्शन, हमारा यात्रा ही उसी का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, और उसमें उसकी जो छाया है उसमें उसके नीचे आ जाना, तो वहां पहुंचने के लिए हमारे इंद्रियां है, हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारी अहंकार वगैरह, इसका रास्ता अपनाए, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओ तत्त्वमसि अहम ब्रह्म जैसे बनना, संकल्प साधना पुरुषार्थ अभ्यास विवेक